2022 में यमुनानगर पुलिस का एक्शन अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में काफी हद तक कामयाब रही। यमुनानगर पुलिस ने जुआ, सट्टा, नशा तस्करी, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, शराब, अफीम, हेरोइन, स्नैचर, अवैध माइनिंग, बदमाशों के गैंग, अवैध हथियार, वाहन चोर गैंग, भगोड़े बेल जम्परों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। एसपी मोहित हांडा ने कहा कि इस वर्ष भी पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए प्रयास किया जाएगा। देखिए, पुलिस जो है वो मुख्य तौर पर जैसे कानून व्यवस्था, क्राइम डिटेक्शन और ट्रैफिक व्यवस्था, मुख्य तौर पे ये पुलिस के ध्येय रहते हैं। सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी के अतिरिक्त तो उन सभी में जो पुलिस ने अपनी रेगुलरली ड्यूटीज़ जो हैं वो निभाई हैं। आपके साथ मैं कुछ आंकड़े साझे करना चाह रहा था कि किस प्रकार से हमारी जो है इस बार पुलिस की कार्रवाई रही। तो सबसे पहले लोकल स्पेशल लॉ में जैसे हमारा एक्साइज एक्ट होता है, तो एक्साइज एक्ट में जो वर्ष 2022 में 531 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2021 में 238 मुकदमे दर्ज हुए थे, तो दुगने से ज़्यादा मुकदमे जो हैं वो एक्साइज एक्ट में हुए हैं। और इसमें हमारी जो रिकवरी है एक्साइज की वो भी पिछले साल से काफ़ी अधिक है, चाहे वो लिकर जो लिसिट लिकर है, इलिसिट लिकर है, और सभी प्रकार की जो एक्साइज में रिकवरी होती है वो अधिक है। एनडीपीएस एक्ट में 2021 में 128 मुकदमों के मुकाबले वर्ष 2022 में 171 मुकदमे दर्ज किए गए, जो कि पिछले साल से अधिक है। इसमें जो हमारी रिकवरी है वो सभी प्रकार के जो एनडीपीएस हैं, ओपीएम, उसमें लगभग 4 गुना है। पिछले साल 900 ग्राम थी, इस साल 3 किलो 800 ग्राम से ऊपर है। ओपीएम ट्री की प्लांटेशन जो है ये भी 7 किलो वो भी इस बार पकड़ी गई थी। पॉपी हस्क, चरस इत्यादि जितने भी हैं, और हेरोइन भी जो है वो भी अधिक मात्रा में इस बार स्मैक और हेरोइन जो है वो पकड़ी गई है। आर्म्स एक्ट के मुकदमे जो हैं वो भी पिछले साल 52 मुकदमे थे, इस बार 69 मुकदमे हैं, जो पिछली बार से लगभग 30% से अधिक ही हैं। और इस बार जितने हमने व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं और जो वेपन्स रिकवर किए हैं उनमें भी वृद्धि है।